चलो देखो फिर अपने बात क्या करते हैं। कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट जो है शब्द युग्म लिखवा देता हूँ। क्या लिखवा देता हूँ साथियों? कुछ इंपॉर्टेंट शब्द युग्म लिखा देता हूँ फटाफट अंदाज में, ठीक है? मेरे याद है वो नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको देख के यहाँ पर जो अच्छे अच्छे हैं इंपॉर्टेंट है वो मैं क्या कर देता हूँ, एक बार आपको मैं बढ़िया तरीके से लिखवा देता हूँ, है ना? तो 1 मिनट का वेट करिएगा और इसकी अलग से भी वीडियो मैं कटिंग करके डाल दूंगा मेरे वाले चैनल के ऊपर। बट आप यहाँ पर आप जुड़े हुए हो तो बस लगातार यहाँ पर पढ़ते जाइएगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो शब्द युग्म है वो मैं आपके लिए लिखवा रहा हूँ। 1 मिनट रुकिएगा, बस 1 मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे। रेडियो? क्या रेडियो? क्या बताओ सब रेडियो? चलो देखो, सबसे पहले लिखिएगा आप कुछ खास खास इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो शब्द है जो मेरे बीच में मेरे पास तो बहुत सारे हैं बट मैं आपके लिए लिखवा देता हूँ, ध्यान रखिएगा। तो बुक मैंने मंगवाई है आपके लिए स्पेशल, तो देखिएगा। सबसे पहला आता है आपका कौन सा? अंब आता है। और दूसरा आता है साथियों अंबु आ जाता है। अंबु, अम का मतलब होता है कौन सा? अम का मतलब होता है माता। जल्दी जल्दी से लिख लेना, अंबु का मतलब होता है पानी। क्या होता है? अंबु का मतलब होता है पानी होता है, ठीक है? और इसके साथ में आपका अनल जो है, अनल है वो आपका कौन सा है साथियों? आग है। और अनिल जो है वो आपका हवा है। अनिल है वो आपका क्या है साथियों? हवा है, ठीक है? हालांकि मैंने ये सारी चीजें आपको चलती क्लासों में बहुत बार बताई है बट आप दोबारा से फिर से आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें चीजें हैं, अवलंब है और अविलंब है। अविलंब की बात अगर करी जाएगी तो आपको ध्यान में रखना सर, शीघ्र होता है शीघ्र। और अवलंब का मतलब क्या होता है साथियों? तो ध्यान में रखना, अवलंब का मतलब सहारा होता है ना? सहारा होता है। अगला अपने बात करते हैं, इंपॉर्टेंट आपका आ सकता है साथियों कौन सा? अवदान होता है। क्या सर? अवदान है। और फिर आपका अवदान है, अवधान की अगर बात करी जाएगी तो सावधान हो जाता है। कौन सा? सावधान हो जाता है। और इसके मतलब होता है साथियों देन होता है, देन देन, ठीक है? बड़े लिखो थोड़ा सा। अब देखो बड़ा और लिखूं मैं, बड़े आराम से दिख जाएंगे आपको, ठीक है? मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं तो इसलिए थोड़ा सा आप देखिएगा। एक आता है आपका एक आता है आपका कौन सा? 5 नंबर पर अजर। और एक आता है आपका कौन सा? अजीर आता है। कौन सा? अजीर। दोनों के अर्थ की अगर बात करी जाए, अजर देवता, अजर होते हैं देवता, और अजीर का मतलब आंगन होता है। ये आपको ध्यान में रखना, क्या होता है? आंगन होता है। ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। और एक आता है आपका कौन सा? अपत्य आता है सर 6 नंबर पर। अपने बात करेंगे अपत्य, अपत्य को संतान कहा जाता है, ध्यान में रखना। और उसके साथ में आपका अपथ्य जो है वो उसको क्या कहा जाता है? अपथ्य की अगर बात करी जाए, परहेज, परहेज होता है या फिर रोगी के अनुकूल जो भोजन नहीं है, रोगी के अनुकूल नहीं है, रोगी के अनुकूल न होना, न होने वाला जो भोजन है, न होने वाला भोजन क्या है वो आपका ये है। साथ साथ में आपको ध्यान से लिखना है, 7 नंबर की अगर बात करेंगे साथियों कुल मिलाकर। अगला लिखिएगा असक्त है। और फिर आपका असक्त है। दोनों में देखिएगा थोड़ा थोड़ा ही आपका अंतर यहां पर दिया गया है। दोनों जो सह है उसकी अगर बात करें, असक्त का विरक्त अर्थ होता है, विरक्ति का भाव। और असक्त का मतलब होता है साथियों आपका, असक्त का मतलब क्या होता है? शक्तिहीन होता है। शक्ति में मात्रा छोटी आती है, इसका शक्तिहीन हो जाता है, आपको ध्यान में रखना, ठीक है? 8 नंबर पर अपने बात कर ही लेते हैं। 8 नंबर पर आपका कौन सा आ जाता है? आपका आकर आ जाता है। आकर, आकर का मतलब होता है खान। और उसके साथ में आपका क्या आ जाता है साथियों? आकार आ जाता है। और आकार का मतलब होता है साथियों रूप, आकार रूप ढंग, ठीक है? आकार हो जाता है साथियों रूप आकार ढंग हो जाता है। लिख लिया होगा इतना, इतने लिख लिए क्या? बताओ अगले पेज पर चलूं मैं, अगले पेज पर चलूं क्या? बताओ, जल्दी जल्दी से लिखवा देता हूं मैं आपका।
देख के लिखते हैं ना तो गलतियां हो जाती है, बिना देख के लिखो तो फटाफट। चलो अगले पेज पर, 9 नंबर पर अपने बात करते हैं साथियों। 9 नंबर पर आपका आता है सर अवधि, और एक आती है साथियों अवधि, मात्रा है बड़ी एक में छोटी। बड़ी मात्रा के लिए आपका जो शब्द है उसकी अगर बात करी जाए, अवधि जो है वो समय के लिए आता है, और छोटी मात्रा की अगर बात करेंगे तो सॉरी बड़ी मात्रा की बात करी जाएगी तो आपका कौन सा है, भाषा से संबंधित आपका यहाँ पर अर्थ हो जाता है। अगले की अगर बात करी जाए तो आपका कौन सा आ जाता है सर, अंधकारी आ जाता है। क्या? अंधकारी जो है मात्रा छोटी है, और उसके साथ साथ में आपका अंधकारी जो शब्द है उसकी मात्रा क्या अग्रोधी बड़ी है। दोनों के अर्थ की अगर बात करी जाएगी तो छोटी मात्रा वाला तो क्या होता है, महादेव भगवान शंकर होता है, और यहाँ पर एक राग विशेष भी इसका अर्थ है वो आपका आ जाता है, या फिर नरेंद्र नृत्यांगना जो है वो आपके ये आपका आ जाता है, एक राग विशेष आ जाता है। क्या सर? एक राग विशेष इसका अर्थ यहाँ पर हो जाता है। चलिएगा 11 नंबर पर अपने बात कर लेते हैं। 11 नंबर पर आपके देखो अब जो रब जो इन सबको लिखवाने की आवश्यकता आपका है नहीं, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं वो आप अच्छी तरीके से जानते हो। मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो है उनके ऊपर अच्छी तरीके से चर्चा यहाँ पर कर लेता हूँ, और देखता हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। चलिएगा अगला आपका आ जाता है साथियों अवमर्श आ जाता है। क्या है साथियों? अवमर्श है, और उसके साथ साथ में आपका कौन सा आ जाता है, अवमर्श जो है वो आपका आ जाता है। नीचे वाला मर्श आप जानते हो इसका मतलब क्या होता है, सलाह होता है। नमस्ते नमस्ते, एसएस बाद में ले लेना, बस आप पीडीएफ मिल जाएगी जल्दी से ले लो, एसएस का इतना टाइम नहीं है। अवमर्श का मतलब होता है साथियों आलोचना, इसका मतलब क्या होता है, आलोचना होता है। और इसके बाद में सॉरी इसके बाद में नीचे वाला जो अवमर्श होता है सर, इसका मतलब क्या होता है, संपर्क होता है या स्पर्श होता है। संपर्क की बात करेंगे या फिर इसका अर्थ होता है साथियों स्पर्श जो है वो आपका हो जाता है। अगले की अगर बात करें 12 नंबर पर, तो 12 पर देखिएगा आपका, हाँ एक होता है साथियों अस्तर और एक होता है आपका शस्त्र, ये भी आपके दोनों एक जैसे से आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों है हथियार ही, आपको ध्यान में रखना। ठीक है, हाथ से फेंकने वाला, ये फेंकने वाला है तो ये आपको ध्यान में रखना, फेंकने वाला हथियार है। कौन सा है साथियों? फेंकने वाला हथियार है, और ये क्या है साथियों? हाथ में रखने वाला, हाथ में रखने वाला हथियार है। तो दोनों को आप जल्दी से समझ लेना कि मैंने आपको क्या बताया है। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करते हैं साथियों अस्त्र और शस्त्र, मैंने आपको बता दिए। क्या बता दिया साथियों? अस्त्र और शस्त्र मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। आगे और देखो, अगला देखिएगा साथियों आपका कौन सा आ जाता है, 13 नंबर पर एपट आ जाता है, एपट, और एक आ जाता है साथियों एपटू। एपट का मतलब होता है साथियों वस्त्रहीन। क्या है? वस्त्रहीन है। और एपटू की अगर बात करी जाती है तो एपटू का मतलब यहाँ पर क्या होता है साथियों, पटू का मतलब होता है चतुर, और एपटू का मतलब क्या होता है गुरु जी, मूर्ख होता है। 14 नंबर पर अपने बात करेंगे साथियों, कुल मिलाकर देखिएगा अभिशार और अभिशार, एक होता है साथियों अभिशार और एक होता है साथियों अभिसार, दोनों की अगर अर्थ की बात करेंगे, अभिसार जो है वो प्रेमी से मिलन है। क्या है? प्रेमी से मिलन है, प्रेमी से मिलन है। कौन सा सर? अभिसार में मात्रा छोटी तो छोटा ही काम हो जाए, और अभिसार क्या है, मात्रा बड़ी तो काम भी बड़ा, मात्रा बड़ी तो काम भी बड़ा, मतलब इसका अर्थ क्या हो जाता है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इसी तरीके से कैसे याद रख लो, मैंने बता दिया है, शॉर्ट शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, ध्यान में रखना है ना। ठीक है, एक ओ सॉरी लगी, अगला देखिएगा आपके सामने अविराम है, और इसका क्या आ जाता है, अविराम है, अविराम है और अविराम है, उसकी अगर बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना, अविराम का मतलब क्या होता है, बिना विराम लगातार, और इसके साथ में आपका क्या आ जाता है साथियों, सुंदर आ जाता है। क्या आ जाता है? सुंदर जो है वो आपका यहाँ पर आ जाता है। फिर 16 नंबर की अगर बात करी जाए, 16 नंबर की अगर बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना कुछ और चीजें जो आपके लिए, अली और अली जो है वो छोटी मात्रा भंवर की होती है सर, 16 में आपकी अली जो है और आपका अली जो है, ठीक है, इसका होता है सर भंवरा, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार, 16 नंबर सखी जो है वो आपका यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, हाँ आगे चलिएगा और आगे की अपने बात करते हैं साथियों, देख लेता हूँ क्या पता भैया एग्जामिनर है वो कहाँ से पूछ ले, कोई पता नहीं चलता है। 17 नंबर की अगर बात करी जाए तो 17 नंबर में तो ठीक है,
17 नंबर के एक आता है साथियों आदि, और एक आ जाता है साथियों आपका आदि। मात्रा की अगर बात करी जाए तो आदि का मतलब है सर प्रारंभ है। इस आदि का मतलब क्या है साथियों, आदत है, व्यस्त आदत है या व्यसन, आपकी लत लग जाती है ना, वो अपने इस आदत को यहाँ पर कहा जाता है, या आपको ध्यान में रखना है। आगे चले, हाँ अगला देखिएगा आसन और आसान और आसन जो है 18 नंबर पर देखिएगा, एक आता है सर आसान, एक आता है सर आसन और एक आता है सर आसन। आसन समीप आ जाता है, समीप आसन का मतलब क्या होता है सर, समीप हो जाता है। आसन क्या है साथियों, बैठने की विधि, बैठने का तरीका, बैठने की विधि, बैठने का तरीका। और आसान का मतलब क्या हो जाता है सर, सरल हो जाता है। क्या सर, आसान तो सरल है, आसन जो है जिसमें एक ना होता है बैठने की विधि होती है, और आसन का मतलब क्या होता है सर, समीप आपका हो जाता है। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। और देखो हाँ, एक आता है आपका कौन सा 19 नंबर पर, अपने बात करें और भी आपके आ सकते हैं। देखो ये इतने आपके लिए मैक्सिमम नहीं होंगे। ईश का मतलब स्वामी होता है, और इस ईश का मतलब छोटा, ये जो ईश होता है उसका मतलब क्या होता है साथियों, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। आपका शिव का अनुचर जो है उसको कहा जाता है, क्या सर, शिव का अनुचर जो है उसे ईश कहा जाता है, ये वाला ईश जो कहा जाता है, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। और देखता हूं मैं इंपॉर्टेंट आपके लिए, और हाँ लिख रहे हो ना सभी के सभी, कहीं जाना मत भाई, ये लिख लो एक बार आपका रिवीजन के लिए, मैं इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ। और आगे चलिएगा उरु, और उरु जो है वो आप देख लेना अच्छी तरीके से, उरु और उरु भी देख लेना, उत्पल और उपल देख लेना है ना। 20 नंबर पर आपका कौन सा आ जाता है, उपल आ जाता है, जिसका मतलब क्या होता है सर, पत्थर होता है। और एक होता है साथ ही उत्पल जो होता है उसका मतलब क्या होता है सर, कमल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ठीक है। 21 नंबर की अगर बात करेंगे, सारे गए तो मैं भी बंद कर दूं क्या भैया, कौन कौन जुड़े हो आप एक बार बताओ, है ना, बंद कर दोगे तो मैं भी बंद कर दूंगा, है ना, मेरे भी इतनी वो इतनी है। आगे देखिएगा सर रित है, रित का मतलब क्या होता है सर, सत्य होता है ठीक है। एक आता है आपका रीति, रीति है, एक रित है जिसका मतलब है सत्य, और एक रीति, रीति का मतलब होता है सर गति, गति गति है या मंगल है, इसका मतलब रीति मंगल है। आगे चलिए अब अपने 22 नंबर की बात करें, हाँ बिल्कुल, छाती और जो जांग है वो आपका यहाँ पर होता है, उर और आपका जो उरु जो है उसका अर्थ आपका यहाँ पर हो जाता है। चलिएगा अगले पेज पर बढ़ता हूँ, और इंपॉर्टेंट चीजें जो और है वो आपके लिए देख लेता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, कास और कास जो है वो आपका पेपर में आ चुका है, कपीश और कपीश जो है वो अपने लिख लेते हैं, एक होता है साथियों कपीश और एक होता है साथियों कपीश जो है उनको दोनों को लिख लेते हैं। कपीश का मतलब होता है मटमेला होता है, और इसकी अगर बात करी जाएगी साथियों तो आपका कपीश जो है वो आपका कौन सा होता है सर, भगवान महावीर बजरंग बली पवन पुत्र होते हैं। क्या होते हैं साथियों, बजरंग बली और पुत्र हनुमान आपके हो जाते हैं, या आपको ध्यान में रखना, मैं हूँ क्लास में हो क्या, ठीक है इति या में तो अच्छा थे इति हो गए, ठीक है बहुत अच्छा काम है, थे रहोगा बस बिता तो मेरा काम चलते रहो, है ना, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा कास्ट और कास्टा जो है उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा साथियों कास्ट जो है और उसके साथ में आपका कास्टा जो है वो आपको ध्यान में रखना। कास्ट की अगर बात करी जाए तो आपका लकड़ी, कास्ट नहीं है कास्ट है, क्या है ये आपका कास्ट है, तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना। कास्ट जो होती है वो तो आपकी क्या हो जाती है, लकड़ी हो जाती है, लेकिन कास्टा जो होती है वो सीमा होती है, सीमा है या हद है। प्राकाष्ठा जैसे आता है ना, प्राकाष्ठा जो शब्द है वो इसी से ही बना होता है ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। ये आपके क्या हो जाते हैं साथियों, 23 तक आपके इस पेज पे हो जाते हैं, कास्ट है लकड़ी और कास्ट है आपका सीमा है। अगले पेज पर अपने कुछ एक उदाहरणों को और ले लेते हैं, है ना, कुछ एक उदाहरणों को आपके लिए और ले लेते हैं। क्या पता भाई साहब आपका इनकी वजह से एक सवाल भी ठीक हो जाए तो बहुत बढ़िया है ना। कांता और कांतार जो है, कांता और कांतार जो शब्द है इनकी बात हमने करी थी थोड़ी देर पहले, है ना, कांतार जो शब्द है उसकी बात हमने करी थी, और कांत जो शब्द है उसकी बात करी थी। कांता जो स्त्री होती है वैसे तो ध्यान में रखना, और कांतार जो है वो वन है, और कांत जो है वो स्वामी है। अब इनके पर्यायवाची शब्द आ जाए तो भैया वो भी देख लेना, इनके पर्यायवाची शब्द आ जाए तो वो भी देख लेना। मैं तो जब आप ऑफ कर देते हो तब तक देखती हूँ कि मूड
कर कुछ और नहीं पढ़ना दे। अच्छा हाँ बहुत बढ़िया, ये आप में ललक होनी चाहिए थोड़ा सा ना। हाँ एक इंपॉर्टेंट कुछ और एक कुछ, ठीक है। एक आता है आपका कच, कल भी मैं बता रहा था, एक आता है कुछ और एक आता है कुछ, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझे तो ये लगता है भैया छपेगा। कच का मतलब बाल है, कुछ का मतलब सर स्तन है, और उसके साथ में कुछ का मतलब है साथियों प्रस्थान। कल भी मैंने बताया था, फिर से आज आपके लिए और मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब मैं आपको प्रॉपर लिखवा रहा हूँ, तो आपके लिए ये कैसे जो है वो आपके आ जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है ना। कंजर और कुंजर, कंजर जो है वो जाति विशेष है और कुंजर जो है वो हाथी है। पर एक बात बताऊं, हिंदी बहुत ज्यादा बोरिंग लगती थी, पर आपके पढ़ाने के बाद में बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी। इतना कंफ्यूज हूँ आपसे, आपसे पूछा आपने क्लियर कर दिया। अगेन थैंक्स, आभार, बहुत बहुत आभार आपका। आपका प्यार ऐसे ही बना रहेगा तो बस अपने वो जो सीरीज चल रही है ना स्टार दिलाओ सीरीज, उसमें तो भैया अपने से पीछे रह जाएंगे, सब लोग पीछे रह जाएंगे, है ना। मैं ऐसी हिंदी पढ़ाने वाला हूँ जो 20-20 हजार रुपए लेके पढ़ाते हैं ना, उनकी भी अपने कमर तोड़ के रख देंगे। बस वही हिंदी में आपको पढ़ाने वाला हूँ। कटिबद्ध और कटिबंध जो है उसकी बात करते हैं। क्या सर? कटिबद्ध है और ठीक है, उसके साथ में आपका कटिबद्ध, एक बद्ध, एक कटिबद्ध और एक कटिबंध, तो दोनों की अगर अपने बात करते हैं साथियों, तो ये कुल मिलाकर आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना कि इनका अर्थ क्या। कटिबद्ध का मतलब तो होता है तैयार रहना, कटिबद्ध का मतलब तैयार, क्या रहना, तू कमर कस के तैयार हो जा, और कटिबंध का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सेम हेयर। थैंक यू, आभार, बहुत आभार, ठीक है। और कमरबंध जो है वो आपका क्या आ जाता है साथियों, कमरबंध जो है, अरे तागड़ी बांधता नहीं थे, अरे तागड़ी बांधी के बताओ, तागड़ी कणकण बांधी बताओ, एक आधा तो अभी बांध रखी हो सी। हाँ मम्मी जो बुगरी लगा लगा के तागड़ी बांधती थी ना यहाँ पर पेट के ऊपर से, तो वो जो है वो कमरबंध होता है। 20 के बाद आऊंगा, हाँ बिल्कुल 20 के बाद आना मेरे दोस्त, बहुत अच्छी तरीके से आपको कटौती और कठौती जो है उसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर आपके लिए, देखो मैं थोड़ा सा बुक का सारा ले रहा हूँ फास्ट करवाने के लिए। कटौती जो है उसके साथ में, कटौती जो है उसकी दोनों की बात करें। कटौती का मतलब तो क्या, काटना होता है, कोई भी चीज है उसमें कम करना या काटना या फिर कोई अंश कम कर देना। कठौती तो आप जानते हो वो एक पात्र होता है, और उस पात्र की बात करेंगे तो वो काट का एक पात्र होता है, काट का कटोरा होता है, यह आपको ध्यान में रखना। क्या होता है साथियों? काट का कटोरा होता है, यह आपको ध्यान में रखना, है ना। ठीक है ओके, क्या नहीं भाई, कलश और कुलिश, अगला लिखो कलश लिखो और एक लिखो गुरुजी कुलिश, कुलिश लिखो। कलश और कुलिश जो है उसकी अगर बात करें, कलश तो आपका घड़ा होता है और कुलिश आपका क्या होता है भाई साहब, कुलिश आपका होता है आपका हीरा होता है, क्या होता है, हीरा होता है। और 29 की अगर बात करें, 5 मिनट का टाइम और बच गया भाई साहब, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, जल्दी 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 से, कोश और कोश जो है वो आपका क्या है सर, कोश और कोश जो है वो आपका क्या है, ठीक है, कोश जो है आपका वो क्या है साथियों, खजाना है, खजाना है। हाँ गुरु जी क्यों कुछ कौन क्यों मतो, हाँ कर दिया भाई जी कर दिया, और बताओ आगे चलिएगा यहाँ पर। हाँ शब्द कोश आपका आता है, क्लास है क्या सर के आगे, शब्द कोश आता है और उसके साथ में कोश जो आपका होता है सर, खजाना आता है, खजाना आता है, खजाना आता है, है ना, खजाना भर जाएगा, अंधन के भंडार लग जाएंगे, जब पढ़ोगे तो पढ़ोगे। इंपोर्टेंट आया आपका कृतज्ञ आया है, कृतघ्न आया है साथियों, कृतज्ञ आया है, कृतघ्न आया है। उपकार को मानने वाला सर, उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला और उपकार को न मानने वाला, उपकार को मानने वाला और उपकार को न मानने वाला आपका क्या होता है साथियों, कृतज्ञ और कृतघ्न होता है, यह आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अगले पेज पर देखिएगा साथियों, एक आता है कितना लिखवा दिया सर, 27, 28, 29, 30 लिखा दिया, 31 नंबर लिखो। अब 2-3 और लिखाऊंगा गुरु जी, क्योंकि टाइम हो चुका है। कृपण आपका आ गया और कृपण के साथ में आपका क्या आ जाता है, कृपाण आ जाता है। अरे कृपण का मतलब कंजूस, अरे कंजूस कौन है कंजूस आपके क्लास में, कृपाण तो भाई साहब क्या होती है, तलवार जैसा एक हथियार होता है क्या कृपाण, कृपाण तो तलवार होती है भाई, कृपाण क्या होती है सर, तलवार होती है ना। आगे चलिएगा, कौन है कंजूस, हाँ बिल्कुल कौन है कंजूस। और एक कोश होता है दूरी, एक कोश होता है दूरी, अरे आप ही लिख लियो, ये कोश जो और होता है
एक कोश और होता है, इसका मतलब होता है सर दूरी, होता है दूरी। कहते हैं मैं तीन कोश ताल पड़े हो। आगे चलो, आगे देखो 31 नंबर की बात करें, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी, मुझे भी लेट हो रहा है भाई थोड़ा सा ना, मैं ऐसे देख रहा हूँ कौन सा इंपोर्टेंट है और कौन सा इंपोर्टेंट नहीं है। एक आगे चलिएगा, आगे देखो आगे देखो आगे देखो, क्या ही लिखाऊं भाई, अब मुझे मिल ही नहीं रहा, टाइम हो चुका है। एक लिखो गुर, एक लिखो गुरु और एक लिखो गुरु, यानी कि कुल मिलाकर अगर इनकी अगर बात करी जाए तो कायदा है, गुरु का मतलब कायदा सिखा दो शिक्षक, और गुरु का मतलब सर बड़ा होता है। क्या होता है साथियों? बड़ा होता है। तो ये आपके लिए थोड़े से सर, सभी कंजूस है, लाइक नहीं करते ना, सभी लाइक कर दिया कर देंगे। तो ये देखो मैंने फटाफट अंदाज में आपको इतने लिखवा दिया है, और अभी जो समय है वो किशोर सर की क्लास का समय जो हो रहा है, मुझे क्लास को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको 100-200 भी लिखवा सकता था, मेरे पास में अब तो बुक थी हाथ में तो कितने लिखवा देता। और साथ ही साथ में ये जो मैंने लिखवाए हैं, देखो क्या पता एग्जामिनर इनमें से कोई छाप दे, मैंने तो फटाफट अंदाज में आपको लिखवाया है। और एक बार पुनः आप जितने भी साथी हैं जिनका कल एग्जाम है, मेरी पूरी टीम की ओर से, माँ सरस्वती की ओर से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आपका जो हमारा प्यार। और बस आप पेपर में निडर होकर, आप ये देखना मैं ही हूँ इस क्लास में और कोई नहीं है, और मेरा ही सिलेक्शन होगा, ऐसा मानते हुए आपको उस कक्षा कक्ष में बैठना है ना टू भाई, है ना, कक्षा कक्ष में आपको बैठना है और बहुत ही तसल्ली से आपको एग्जाम देना है, ताकि आप जब पेपर देने के बाद जब हम सॉल्यूशन करवाएं तब आप पेपर में आओ तो आप हमें ये कहो सर ठीक है आपने तो हमारी नैया पार लगवा दी, बस ये शब्द जब आप कह दोगे हमारे लिए वो गोल्ड मेडल, ऑस्कर अवार्ड, भारत रत्न, पद्म विभूषण से कोई कम नहीं होगा, हमारे लिए यही पुरस्कार होते हैं, बस यही पुरस्कार होते हैं। इस पुरस्कार के भी आप साक्षी बनिएगा और बहुत शानदार पेपर देके आइएगा। कैसा पेपर हुआ ये बिल्कुल ये कल वाली सॉल्यूशन वाली क्लास में आप आओगे तो आप यूं ही लगातार बढ़ते रहेगा पढ़ते रहेगा। आपने जो जो सपने संजोए ना साथियों, वो सबके सपने पूरे होंगे, सबके सपने पूरे होंगे। और हम तो आपको उस अव्वल दर्जे की कुर्सी पर आपको देखना चाहते हैं, आप जिसकी तैयारी करना चाहते हैं उस हॉट सीट पर आपको देखना चाहते हैं, कि बस आपको वो आपको मुकाम मिल जाए, वो आपको मुकाम मिल जाए। तो कभी कभी तो आप मिल ही जाओगे, आप एक बार ऐसे कह दो कि सर आपने मेहनत करी थी और हमारा सिलेक्शन हो गया, तो हमारा तो जीवन सफल हो जाएगा और हमारी उम्र में 2 साल का और इजाफा हो जाएगा, हमारी उम्र में 2 साल का और इजाफा हो जाएगा। तो सभी साथियों को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत प्यार हमारा, सभी साथियों को लव यू, बढ़िया सा पेपर करके आइएगा। टेक केयर, थैंक यू, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।